औरैया में बीच बाजार में चली गोली, राहगीर हुए घायल। जनपद में अपराधियों को नहीं है पुलिस का भय, बीच बाजार में गोली चलाकर फैलाई दहशत। गोली लगने से एक लड़की सहित तीन लोग हुए घायल, घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के संकट मोचन मंदिर मार्केट का है पूरा मामला। सारी बाजार गोली चलने से फैली सनसनी, शहर के सदर बाजार में चली गोली, एक लड़की को लगी है गोली। दुकान से आर्टिफिशियल ज्वेलरी वापस करने के लिए हुई थी बहस, बहस में युवक ने दुकानदार को मारा थप्पड़, थप्पड़ के बाद युवकों ने आकर दनादन चलाई गोलियां। मार्केट करने आई लड़की को लगी गोली। भाई सदर कोतवाली के लेडीज मार्केट का यह पूरा मामला है। ये संकट मोचन मंदिर के पास जो लेडीज मार्केट लगता है, इसमें एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है, अनमोल ज्वेलर्स, ये आकाश अच्छुता की दुकान है। इस पर एक लड़की ने कुछ एक डेढ़ महीने पहले आर्टिफिशियल सेट लिया था, वो अब उसको चेंज करना चाह रही थी। उसने दुकानदार से बोला कि इसे आप चेंज कर दीजिए। उन्हें अभी जितना मैंने पूछताछ की, उन्हें बताया कि मैम सस्ता सा आता है, दो महीने बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमने मना कर दिया कि बेटा चेंज नहीं हो पाएगा। तो लड़की ने घर जाके अपने चाचा को बताया कि ये मेरा ऐसा सेट है, मुझे बदलना है। तो इसके चाचा ब्रजेंद्र सिंह, जो कि आर्मी में पोस्ट हैं, वर्तमान में 42 दिन की छुट्टी लेकर आए हैं, लद्दाख में इनकी पोस्टिंग है, ये आके इनसे कहा कि आप इसको बदल दो। तो व्यापारी ने मना किया कि भाई ये 300 रुपये के सेट में वैल्यू नहीं है, तो ये अपने साथ कुछ नई उम्र के लड़कों को लेकर आए। और पूछताछ में ये बताया गया कि इन्होंने मारपीट शुरू कर दी कि आपने सेट नहीं बदला और हमारी लड़की के साथ छेड़, मतलब अभद्र व्यवहार किया। इतने में इनके साथ ही आए तो व्यापारियों ने, आसपास के लोगों ने इनको पकड़ लिया मारपीट के दौरान, और इन्होंने शराब पी हुई है। और जब लोगों ने देखा कि लोग गिर गए हैं, तो इनके साथियों ने एक तमंचा से फायर कर दी, जिसके छर्रे कुछ राहगीरों को लग गए। तीन लोगों को तमंचे लगने की पुष्टि हुई है, जिनका प्राथमिक उपचार करा के इन्हें हैलेट रेफर किया गया है। एक के पैर में जांग में चोट लगी है, जांग में एक छर्रा लगा है शालिनी के, और दूसरा आलोक कुमार और कृष्ण गोपाल, ये तीन, ये भी बाकी दो लोग हैं जो वहीं के रहने वाले हैं और आसपास से जा रहे थे। एक एक कंधे के पास और गर्दन के पीछे एक एक लगाया, लेकिन कोई गंभीर घायल नहीं है इसमें। उपचार हेतु हैलेट भेजा गया है। वर्तमान में अमन चौहान और ब्रजेंद्र सिंह को मौके से पकड़ लिया गया था, तमंचा इनसे बरामद हो गया है। चार लोग और चिन्हित किए गए हैं, विजय ठाकुर, यश राज, ये दोनों बनारसी दास के रहने वाले हैं, शशांक ठाकुर और तरुण मिश्रा, ये सब रामनगर के रहने वाले हैं। इनमें से तत्परता से जो टीम चार बनाई थी, उन्होंने विजय ठाकुर को और शशांक ठाकुर को पकड़ लिया है। बाकी दो लोग जो बचे हैं, उनकी अरेस्टिंग भी शीघ्र कराई जाएगी।